हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना। वेलकम टू माय चैनल हर्बल वेलनेस विद सपना। तो आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी हेयर ड्रिंक लेके आई हूँ, जो है एक स्मूदी। ये स्मूदी हम बनाएंगे फ्रूट्स के साथ और मिल्क के साथ और कुछ ऐसी और चीज़ें, इंटरेस्टिंग सी टेस्टी सी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे कि आपको इसको पी के बहुत ही अच्छा फील होगा और अच्छा फील होने के साथ साथ ही आपका बॉडी वेट भी कम करेगी। इस स्मूदी को बनाना बहुत ही इजी है, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं और इसको आप लेंगे अपने डिनर या अपने ब्रेकफास्ट या लंच में। लेकिन आप इसको जिस टाइम भी लें, उस टाइम जो आप खाते हैं उसको आपको स्किप करना पड़ेगा। अगर आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो उस टाइम आपको सिर्फ यही लेनी है, कोई चाय कॉफ़ी और कोई भी खाना, पराठा वराठा आपको कुछ भी नहीं लेना, उस टाइम आपको सिर्फ ये स्मूदी ही लेनी है। और अगर आप इसको लंच में लेते हैं तो सिर्फ आप लंच में यही चीज लेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। और अगर आप इसको रात को डिनर में लेते हैं तो डिनर में आप इसको लेंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। और आप देखेंगे कि ये स्मूदी आपका किस तरह से वेट कम करती है और ये पीने में भी बहुत ही यमी होती है। तो इसलिए आपको अपना वेट कम करने में इसके साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये स्मूदी बनाना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्मूदी बनाना। तो ये है वो यम्मी सी स्मूदी जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये पीने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में बड़ी ईजी है, इसमें कोई भी मेहनत का काम नहीं है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मूदी बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैंगो। इस मौसम में मैंगो बड़ा ही इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास मैंगो नहीं है तो आप इसकी जगह पपैया भी डाल सकते हैं और पपैया आप किसी भी मौसम में इसमें डालकर ये स्मूदी यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बनाना। मैंने इसके अंदर हाफ बनाना लिया है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही के इसके अंदर। मैं 2 चम्मच दही के डाल रही हूँ। आपको अजीब लगेगा दही, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध। आपको अजीब लगेगा कि दूध और दही दोनों मैंने डाले हैं, लेकिन स्मूदी में ये सब चीज़ें डलती हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद मैंने लिए हैं अपने रोस्टेड सीड्स। अगर आपके पास सीड्स नहीं हैं तो आप इसकी जगह बादाम भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपका प्रोटीन का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल ली हैं इसके अंदर। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद ये हमारी स्मूदी अब बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये स्मूदी कितनी अच्छी है, आप इसको ज़्यादा भी बना के अपने हिसाब से बना सकते हैं और पी सकते हैं और पीने में यम्मी। तो देखा फ्रेंड्स, ये स्मूदी बनाना कितना ही ईजी है, बड़ी ही इजी तरीके से स्मूदी बन जाएगी। और मैंने आपको ऑप्शन भी बताए हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, और एक बात और कि शुगर पेशेंट इस स्मूदी को अपना ब्रेकफास्ट में ही लेंगे, उस कंडीशन में आप इसको अपना लंच और डिनर में नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइम आपको शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग में हमारा 11-12 बजे तक हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, वो बहुत फास्ट होता है। तो ये स्मूदी हम उस टाइम ले सकते हैं सिर्फ शुगर पेशेंट, उसके अलावा कोई भी इसको अपने लंच या डिनर में ईजिली ले सकता है। तो आप इसको लें और अपना जो खाना है उसको स्किप करें तो देखें कितनी फास्ट आपका बॉडी वेट कम हो जाएगा। मैं भी एक शुगर पेशेंट हूँ, मैं ये स्मूदी अपना सुबह ब्रेकफास्ट में ही लेती हूँ और उस अगर ये ना लूँ तो मैं फ्रूट्स लेती हूँ। तो फ्रूट्स के साथ ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसके साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अच्छे से हेल्थ ड्रिंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।